नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस और आज हमारे साथ में है होंडा अमेज का ई वेरिएंट। बेस मॉडल है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कैसा स्पेस है और क्या इसमें आपको इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिल जाता है और किस किस फ्यूल ऑप्शन में ये गाड़ी अब आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। एंड तो जैसा कि मैंने बताया आपको फ्यूल कॉन्फ़िगरेशन, जी हाँ, अभी तक ये गाड़ी आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में देखने के लिए मिला करती थी, बट अब आप देख सकते हैं ये गाड़ी आपको सीएनजी में भी अवेलेबल है। नाउ आई एम अवेलेबल इन सीएनजी, कहने का मतलब ये गाड़ी अब आपको पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी फ्यूल ऑप्शन के साथ भी देखने के लिए मिलेगी। अब वो रेट्रोफिटमेंट है, कंपनी आपको गाड़ी में लगा के दे रही है, इससे वारंटी आउट होती है या नहीं होती, पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड स्पेसिफिक होंडा अमेज या होंडा की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्प्ले वाले नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली एनसीआर से तो आप विजिट कर सकते हैं क्राउन नोएडा सेक्टर 63 नोएडा। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। इसी तरीके सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की तो की इसमें आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक एंड ये आपको डमी बटन देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ से आप इसकी बैटरी वगैरह ओपन कर सकते हैं। जो प्राइमरी की है वो आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ मिलती है, और सेकेंडरी की आपको इस तरीके से नॉर्मल आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाती है, कंप्यूटराइज की है। अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट में हम यहाँ पे हेडलैम्प्स के। तो देखो इस गाड़ी में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाता है जो कि रहने वाला है प्रॉपर रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इंडिकेटर और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डीआरएस देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्रोम का टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है, होंडा का लोगो, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको क्रोम का कुछ टेक्सचर यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है। स्पेसिफिक वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको किसी भी तरह की कोई फॉग लैम्प देखने के लिए नहीं मिलता, एंड ये मिल जाते हैं आपको कुछ बम्पर प्रोटेक्टर। एंड ये बम्पर प्रोटेक्टर देख सकते हैं कितने ज़्यादा लुक्स में बढ़िया लग रहे हैं और इस गाड़ी के अपील को और ज़्यादा वाइटर बना रहे हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग की। साइड प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसे रहने वाली है, अंडर सब 4 मीटर ये सेडान रहती है, कहने का मतलब सब कॉम्पैक्ट सेडान। इस सेगमेंट में आपको होंडा अमेज देखने के लिए मिल जाती है, ह्यूंडई ऑरा, टाटा टिगोर एंड मारुति सुजुकी की डिजायर, ये 4 गाड़ियाँ इस ऑप्शन में देखने के लिए मिलती हैं। लगभग सभी गाड़ियाँ आपको सीएनजी में देखने के लिए मिला करती थी, एंड अब जाके आपको होंडा अमेज भी एज एन सीएनजी के ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाती है। तो देखो साइड प्रोफाइलिंग ऐसी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाता है लगभग 170 mm का, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। 3995 mm की इस गाड़ी की लेंथ है। और बात करते हैं टायर प्रोफाइलिंग की, तो टायर प्रोफाइलिंग यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं विद व्हील कवर्स के साथ, जिसकी टायर प्रोफाइलिंग है 175/65 R14 की, इसमें आपको टायर प्रोफाइलिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये गाड़ी एट प्रेजेंट जो खड़ी हुई है पूरी तरीके से एक्सेसरीज से फुली लोडेड है। तो सारी डिटेल में बताने वाले हैं कि इसमें एक्सेसरीज का पार्ट कौन सा और नॉर्मल जो गाड़ी आपको स्टॉक मिलती है वो क्या देखने के लिए मिल जाती है। ये देख सकते हैं आपको डोर वाइजर एज एन एक्सेसरी है, एंड ORBM मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जो कि है बॉडी कलर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। ये आपको क्रोम गार्निश एज एन एक्सेसरी है, साइड डोर प्रोटेक्टर क्रोम गार्निश ये भी आपकी एज एन एक्सेसरी का पार्ट है। इवन ये आपके क्रोम जो डोर हैंडल प्रोटेक्टर है एंड ये डोर एज गार्ड, दिस इज ऑल्सो अ एक्सेसरी पार्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो 18.6 का इसमें आपको माइलेज देखने के लिए मिल जाता है एज पर ARAI के अकॉर्डिंग। बाकी रियर प्रोफाइलिंग की बात करें तो देखो रियर प्रोफाइलिंग गाड़ी की कुछ इस तरीके से रहने वाली है, क्रोम का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसमें दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बम्पर प्रोटेक्टर एज एन एक्सेसरी है, ये क्रोम गार्निश भी आपको एज एन एक्सेसरी देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ साथ दिस इज ऑल्सो एन एक्सेसरी। होंडा का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है, अमेज की बैजिंग, IVTEC की बैजिंग, जी हाँ IVTEC, ये गाड़ी 4000 RPM के बाद पागल हो जाती है। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप इस गाड़ी का एक बार टेस्ट ड्राइव भी करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे भी आपको कुछ क्रोम का पार्ट देखने के लिए मिल जाता है, बट ये एज एन एक्सेसरी नहीं है। रियर में आपको 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड इस गाड़ी को अगर आप बूट ओपन करना चाहते हैं तो या तो आप की से कर सकते हैं या फिर आपको आगे की साइड जो लीवर है वहां से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं। तो देखो यहां से अभी फिलहाल हम की से इसका बूट ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से, एंड सी 420 लीटर का इस गाड़ी में आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अब आप कहेंगे इसमें सीएनजी का सिलेंडर कहाँ है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये गाड़ी रेट्रोफिटमेंट सीएनजी के साथ आती है जिसमें कि आप बेस से लेकर टॉप तक किसी भी मॉडल में सीएनजी इंस्टॉल करवा सकते हैं, सीएनजी किट, जिसकी कॉस्ट रहती है लगभग
75,000 रुपये, जिसका सी एन जी फिलिंग वॉल्व जो रहेगा वो आपका अंडर द हुड रहेगा, जो आपके फ्रंट बोनट में। बट सी एन जी को लेके एक थोड़ा सा एक दिक्कत है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सी एन जी में इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आपको दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलना, क्योंकि दिल्ली की अथॉरिटी में आपको रेट्रोफिटमेंट सी एन जी पास नहीं होते। तो इसके लिए आपको दिल्ली से अलग, या फिर आप यूपी का ले सकते हैं, नोएडा, गाजियाबाद का, जो भी आप चाहें। तो देखिए, दिल्ली में इसमें आपको सी एन जी के साथ आप इस गाड़ी को नहीं ले सकते। और सी एन जी लगने के बाद इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी देखने के लिए मिल जाता है, और सी एन जी की वारंटी भी आपको मिलती है। और इसमें जो सी एन जी मिलती है, जानी मानी कंपनी लोवेटो की, दिस इज एन टोटली फुली इटालियन किट, जो सी एन जी के लिए काफ़ी टॉप नॉच क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इसी के साथ साथ बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हैजार्ड रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको सेम साइज देखने को मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल सेम साइज, 175/65 R14 का, इसमें आपको सेम स्टील रिम वाला स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको करते हैं बंद और चलते हैं हम गाड़ी के फ्रंट डोर की साइड, ड्राइविंग साइड डोर की साइड, एंड बताते हैं इस गाड़ी के डोर में क्या कुछ खास मिलता है और इंटीरियर ये इस गाड़ी का कैसा रहने वाला है। आइए गाड़ी का डोर ओपन करते हैं एंड देख सकते हैं डुअल टोन में यहाँ पे आपको डोर देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइविंग साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है, बेज एंड ब्लैक कलर का। इसी के साथ साथ सिल्वर एक्सेंट कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, प्रीमियम सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। लॉक अनलॉक का यहाँ पे आपको बटन देखने के लिए मिल जाता है। रियर विंडोज लॉक करने के लिए ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल यहाँ से हो जाते हैं। ड्राइविंग साइड वन टच डाउन होता है, अप नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। चारों ही डोर्स में इसमें आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी ड्राइविंग साइड सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि हम गाड़ी के अंदर, और मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग हेडरूम इस गाड़ी में काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और ये आर्मरेस्ट, जी हाँ, इसको आप एज एन एक्सेसरी इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये कंपनी फिटेड, जो प्लांट फिटेड नहीं आता, ये एज एन एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी कमेंट्स करके बताओ, फिटिंग एंड फिनिश है ना काफी टॉप नॉच क्वालिटी की। इसी के साथ साथ स्टेयरिंग मिल जाता है, किसी भी तरह की फ्लैट बॉटम नहीं है। स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है टिल्ट स्टेयरिंग व्हील, किसी तरह की टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। इग्निशन ऑन करते हैं और देखते हैं कुछ ऐसा। आपको स्पीडोमीटर एंड आरपीएम मीटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सेम एज इट इज, जो आपका होंडा सिटी और होंडा एलिवेट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, मीडिया वाला, जो इसमें आप अपना रेडियो कनेक्ट या ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। मैनुअली आपको एसी देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से, 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट। इसी के साथ साथ 1 एम्पीयर का इसमें आपको टाइप USB चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ फोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, ग्लास होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ये गाड़ी रहने वाली है। डैशबोर्ड देख सकते हैं इसके, AC वेंट्स काफी ज्यादा मुझे बढ़िया लगे, जो बेस मॉडल की बिल्कुल भी फील ये गाड़ी आपको नहीं देने वाली है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको लाइट लेबलर देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ साथ बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स बिल्कुल डिसेंट रहने वाला, इल्यूमिनेटेड है ये, किसी भी तरीके का आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। हैंड ब्रेक यहाँ पे आपको नॉर्मल देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, तो इस गाड़ी में आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD जैसे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हेडरूम कितना अच्छा मिल रहा है, नी रूम कितना अच्छा मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट मैं कहूंगा थोड़ा सा कम मेरी हाइट के अकॉर्डिंग है, अगर मैं, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको IRVM मिल जाता है, मैनुअली डिमिंग IRVM, एंड ड्राइविंग साइड सनशेड की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी तरह का कोई टिकट होल्डर यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको मिल जाता है को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर। अब हम चलते हैं गाड़ी में रियर में एंड दिखाते हैं इस गाड़ी में रियर में कैसा स्पेस रहने वाला है। तो गाड़ी में हम रियर में आ चुके हैं, जैसे मैंने बताया मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट है, नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट इनफ, बट यहाँ पे मेरे को हेड रूम बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ पे आप आराम से 5 फुट 8 इंच तक के पर्सन को इजिली बैठा सकते हैं। बाकी सबसे अच्छी चीज बेस मॉडल में यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है विद ग्लास होल्डर्स के साथ कुछ इस तरीके से, एंड रियर में यहाँ पे आपको पावर आउटलेट भी मिल जाता है जो 12 वोल्ट का है, बट ये एज एन आर्मरेस्ट एक्सेसरी का है, उसके साथ ही आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी 3 जने बैठने की बात करें तो देखो 2 एडल्ट 1 चाइल्ड ऑक्यूपेंट इजिली, अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो इजिली बैठ सकते हैं, बाकी 3 जनों को आप लोकल राइड्स के लिए इजिली आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। बाकी अब गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो आइए गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। तो देखो इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है डिसेंट इनफ मैं कहूँगा, बाकी ग्लोबल एनकैप से ये गाड़ी 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, पहले 4 स्टार थी, बट
जो अब इनके जो टेस्टिंग के तरीके हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, नॉर्म्स आपके चेंज हो गए, जिस वजह से एट प्रेजेंट ये गाड़ी 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है ग्लोबल एनकैप से। इसी के साथ साथ इंजन जो है इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर IVTEC इंजन। पावर स्पेक्स की बात करो तो 89 BHP NTC के साथ साथ 139 Nm का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करके देती है। माइलेज 18.6 का आपको माइलेज देखने के लिए मिल जाता है एज पर ARAI। इंजन इतना ज़्यादा रिफाइन है, इतना ज़्यादा साइलेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का कोई आपको इंसुलेशन देखने के लिए नहीं मिलता। तो बोनट बंद करते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी के वारंटी ऑफर्स के बारे में। देखिए यहाँ बोनट हमने कर दिया बंद, अब बात करते हैं इस गाड़ी के वारंटी ऑफर्स के बारे में। तो देखो ये गाड़ी आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर एज अ स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर्स आपको प्रोवाइड कराती है। सो यही थी इस गाड़ी से जुड़ी वीडियो, होंडा अमेज ई वेरियंट बेस वेरियंट। स्पेसिफिक होंडा अमेज या होंडा की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्प्ले बारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से तो आप विजिट कर सकते हैं क्राउन होंडा सेक्टर 63 नोएडा। सो यही थी आज की वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ।